हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। याद रखिए, हम लोग अभी तक 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर था हमारा संभाग, और मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन सब के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो जो थी प्रमुख तत्व, वो सभी जान लिए थे। याद रखिए, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। इसमें बात करने वाले हम लोग जनांकीय परिदृश्य के बारे में। याद रखिए, भारत के बारे में हम लोगों ने सेंसस या जनगणना देख ली थी, और वो लेक्चर आपको मिल जाएगा स्पेशल BD4 IAS में, ठीक है, उसी में डला हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देख लें। संपूर्ण भारत की जनगणना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें मिल जाएंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। मध्य प्रदेश में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी जाती है। 2011 में हुई जनगणना मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद सातवीं जनगणना है। जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात किया जाता है, जैसे कि अब 21 में आ जाएगी, ठीक है, 21 में होनी है तो 21 में आ जाएगी, तो उसका याद रखना अभी तक 21 तक यही महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। वर्ष 2000 की जनगणना 21वीं सदी की प्रदेश की पहली जनगणना थी। जनगणना कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है। 11 जुलाई कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दर में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ग्यारह मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 6% है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का छठवां बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। याद रखिए, देश की कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी रहती है? 6% के करीब। और देश का क्षेत्रफल के मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है कुल का? तो याद रखना 9.38%। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से 6वें स्थान पर। याद रखना है आपको कि जब तक छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में भारत का पहला नंबर पर था, ठीक है, अब दूसरे पर है। तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर जिले में 32,76,697 तथा सबसे कम जनसंख्या है हरदा में, कितनी है? 5,70,465 जिले है, याद रखना है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार है। और कब तक? 2018 अक्टूबर तक। जैसे ही अक्टूबर में आपका निवाड़ी जिला बनता है टीकमगढ़ से अलग करके, तो इसकी जनसंख्या हो जाती है 4 लाख के लगभग, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या अब निवाड़ी में है। तो 2011 की 2021 की जो जनगणना आंकड़े आएंगे उसमें आपका निवाड़ी सबसे छोटा जिला रहेगा, ठीक। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना? 236। बात करते हैं आगे, भोपाल का घनत्व सर्वाधिक है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डिंडोरी की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कितना? 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर
20.3% है। इस आधार पर इंदौर की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कितनी? 32.7%। आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.3%, लेकिन इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, कितनी? 32.7%। तथा अनूपपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हुई, 12.3%। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट, कितना है? 1021। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है भिंड में 837, 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.3%। साक्षरता की दृष्टि में प्रदेश मध्य प्रदेश को भारत में 21वां स्थान मिला हुआ है। प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 78.7% और महिला साक्षरता दर 59.2% है। पुरुष एवं महिला साक्षरता की सर्वाधिक दर इंदौर और भोपाल में, जबकि सबसे कम पुरुष एवं महिला साक्षरता दर अलीराजपुर में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं भोपाल 80.8%, इंदौर 74.1%, जबकि न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाला डिंडोरी जिला है। मध्य प्रदेश में जन्म दर 26.3 प्रति 1000 व्यक्ति है, मृत्यु दर है 8.00 प्रति 1000 प्रति व्यक्ति 1000 प्रति। शिशु मृत्यु दर है 54 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, और ये 80 होगा, ठीक है? कितना होगा? 80। एक मिनट रुकिए, कंफर्म कर लें, ठीक है? क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि सही बताएं, थोड़ा टाइम लग जाए। आठ दशमलव जीरो प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्ति, ठीक है? कितना है? कितना है? 8.0 प्रति 1000 व्यक्ति, ठीक है? 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय विचलित भाव पर 51,798 रुपये है, स्थिर भावों पर 2004-05 में 26,853 है। ये बदलती रहती है, ठीक है? आंकड़े, करंट के आंकड़े याद रखिए। हम लोगों ने पूरा करंट अफेयर्स 2019 का देख लिया था मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, सूची, उसी में डले हुए हैं, ठीक है? वहाँ जाकर सब देख सकते हैं क्या क्या 2019-18 में हुआ है, 18-19 में। बात करते हैं हम लोग कार्यशील जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कुल कार्यशील 3,15,74,133, मुख्य कार्यशील 2,27,02,119, काश्तकार 82,14,993, खेतीहर मजदूर 66,30,821, गैर कार्यकारी कार्यशील जनसंख्या 4,04,10,52,676। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या निम्न प्रकार है। व्यक्ति हैं, कुल जनसंख्या है 7,26,26,809, जिनमें पुरुष हैं 3,76,12,306 यानी कि 51.79%, महिलाएं हैं 3,50,14,503 यानी कि 48.21%। अब बात कर लेते हैं 2011, 2001 व 2011 की जनांकीय तुलना। तो ये वर्ष है, एक 2011 का है, ये 2001 का है, ठीक है? वर्ष 2011 और 2001,
तो जनसंख्या की बात करते हैं सबसे पहले। तो 2011 में 7,26,26,809, और 2011 में थी 6,03,68,48,023। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 2011 में हुई 20.3% रही है, 2001 में रही 10 की है जनसंख्या वृद्धि 24.6 26%। लिंग अनुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 931, 2001 की जनगणना के अनुसार था 920। लिंग अनुपात नगरीय में 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार 898 था। लिंग अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 936 है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार 1927 था, सॉरी 927। लिंग शिशु लिंग अनुपात अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है और 2001 की जनगणना के अनुसार 932 था। साक्षरता की बात करें तो अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार 69.3% है और 2001 की जनगणना के अनुसार 63.7%। साक्षरता पुरुषों में 78.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार और 2001 की जनगणना के अनुसार 76.1%। महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 59.2% है, 2001 की जनगणना के अनुसार 50.3%। जनसंख्या 0 से 6 वर्ष तो यह 1,08,09,395 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार है 1,07,82,214। घनत्व 236 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार था 196 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, याद रखिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रिक्स कभी भी नहीं रटना चाहिए, डिटेल से उनका उनके बारे में जानकारी याद होना चाहिए, क्योंकि आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक, और अगर जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो ट्रिक से याद रख सकता है, तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। ठीक, इंदौर, इंदौर की है 32,76,697 पहले नंबर पर, जबलपुर दूसरे पर 24,63,289, सागर है 23,78,458, भोपाल है 23,71,061, रीवा है 23,65,106। तो याद रखना पहले पर इंदौर है, दूसरे पर जबलपुर, तीसरे पर सागर, पांचवें चौथे पर भोपाल, पांचवें नंबर पर रीवा। बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के बारे में, तो हरदा 5,70,465 याद रखिए, लेकिन हरदा 2 अक्टूबर 2018 के पहले था। निवाड़ी जब से नया जिला बना है तो निवाड़ी की जनसंख्या 4 लाख के लगभग है, सबसे कम जनसंख्या निवाड़ी की है। उमरिया 6,44,758, शिवपुर 6,87,861, डिंडोरी 7,04,524, अलीराजपुर 7,28,999। बात करते हैं क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक, तो इसमें छिंदवाड़ा 11,815, शिवपुरी 10,278 वर्ग किलोमीटर, सागर 10,252 वर्ग किलोमीटर, बैतूल 10,43 वर्ग किलोमीटर, बालाघाट 9,229। तो पहले पर छिंदवाड़ा, दूसरे पर शिवपुरी, तीसरे पर सागर, चौथे पर बैतूल, पांचवें नंबर पर बालाघाट। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो इसमें दतिया, भोपाल, अलीराजपुर, हरदा। दतिया का कितना है?
2691 वर्ग किलोमीटर भोपाल का है, 2772 वर्ग किलोमीटर अलीराजपुर का है, 3182 वर्ग किलोमीटर हरदा का है, 3334 वर्ग किलोमीटर बुरहानपुर का है, 3227 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ भी याद रखिए, जब से आपका अक्टूबर 2018 में निवाड़ी जिला बना हुआ है, तो अब जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, 2021 की जो जनगणना के अंतिम आंकड़े आएंगे उसमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आपको वही याद रखना होगा। अभी भी अगर पूछता है 2018 की बात, तो निवाड़ी ही है। लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 931 है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,021 महिलाएं हैं, जबकि प्रदेश का भिंड जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें प्रति 1,000 पुरुषों पर मात्र 837 महिलाएं हैं। प्रदेश 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात 918 है, ग्रामीण लिंगानुपात 936 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला बालाघाट में और न्यूनतम भिंड में। शहरी लिंगानुपात 918 है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात बालाघाट में और न्यूनतम भिंड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। बालाघाट 1021, फिर अलीराजपुर 1011, मंडला 1008, डिंडोरी 1002, झाबुआ 990। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम लोग न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो भिंड 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864, दतिया 873, शिवपुरी 877। सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में, तो अलीराजपुर में 978, डिंडोरी में 970, बालाघाट में 967, डिंडोरी और मंडला में 970 है। ठीक है, न्यूनतम की बात करें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में, तो मुरैना में सबसे कम 829, ग्वालियर में 840, भिंड में है 843। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, जनसंख्या घनत्व में 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196 था, जो 2011 में बढ़कर 236 हो गया। प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है भोपाल, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है डिंडोरी, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो भोपाल 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, फिर इंदौर 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर जबलपुर 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ग्वालियर 846 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर मुरैना 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो डिंडोरी पहले नंबर पर है, 94 सबसे कम है, शिवपुर 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर पन्ना में 142 और उमरिया में 158। साक्षरता की बात करें, साक्षरता में मध्य प्रदेश का साक्षरता जहां 2001 में 63.7% थी, वहीं 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 69.32% हो गई, 69.32% हो गई। पुरुषों में साक्षरता है 78.73%, महिलाओं में 59.24%। प्रदेश का जबलपुर जिला सर्वाधिक साक्षरता है यहाँ 81.01%, जबकि अलीराजपुर सबसे कम जन साक्षरता वाला जिला है। तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो इनमें शामिल है जबलपुर 81.1%, फिर इंदौर 80.9%,
भोपाल 80.4%, बालाघाट 77.1%, और ग्वालियर 76.7%। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर 36.1%। याद रखिए, ये पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। झाबुआ 43.3%, बड़वानी 49.1%, सिरपुर 57.4%, और धार 59.0%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो इसमें बालाघाट 75.5%, भिंड है 74.0%, नरसिंहपुर है 73.1%। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर 32.1%, झाबुआ 39.0%, और बड़वानी 43.1%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो इसमें है सिवनी 88.9%, मंडला हरदा 87.2%, जबलपुर 87.0%। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें शहरी की तो इसमें शामिल है सीहोर 72.9%, टीकमगढ़ 74.7%, सिंगरौली 75.5%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं इंदौर जबलपुर 87.3%, भोपाल बालाघाट भिंड 85.4%, मंदसौर 85.1%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो इनमें है आपका अलीराजपुर 42.0%, झाबुआ 52.9%, बड़वानी 55.7%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो भोपाल में 74.9%, जबलपुर में 74.4%, इंदौर में 74.0%। तो याद रखना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं इंदौर जबलपुर, और सबसे कम सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है भोपाल में। और न्यूनतम साक्षरता वाले महिला साक्षरता वाले जिले हैं अलीराजपुर 30.3%, झाबुआ 33.8%, और बड़वानी 42.4%। अब बात करते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश का परिणाम 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर में आई कमी के रूप में दिखाई दे रहा है। 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में लगभग 4% की कमी आई है। 2001 में यह 24.3% थी, जो 2011 में 20.3% रह गई। अर्थात बीते एक दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में 3.96% की कमी आई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो इनमें शामिल है इंदौर, वृद्धि दर वाले जिलों की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो इंदौर 32.8% वृद्धि दर रही, झाबुआ 30.70% वृद्धि दर रही है, भोपाल की 28.62% वृद्धि दर, और सिंगरौली की 28.05, वड़वानी की 27.57। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो इनमें है अनूपपुर 12.3% वृद्धि दर रही है प्रतिशत में, बैतूल में 12.9% वृद्धि दर, छिंदवाड़ा में 13.1% वृद्धि दर, और मंदसौर में 13.2% वृद्धि दर रही है, बालाघाट में 13.6% वृद्धि दर रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग शहरी शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। शहरी व ग्रामीण जनसंख्या जनसंख्या के ताजा अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 7.25 करोड़ में से 5,25,57,404 लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जबकि 2,69,405 लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 72.37% जनसंख्या गांव में निवास करती है,
तो 27.63% जनसंख्या ग्रामों में शहरों में निवास करती है, गांव में कितनी 72.37%। कुल ग्रामों की संख्या है 54,903। प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरणीय प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो भोपाल 80.9%, इंदौर 74.1%, ग्वालियर 62.7%। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत की बात करें तो डिंडोरी 4.6%, अलीराजपुर 7.4% और सीधी 8.3%। ठीक, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो डिंडोरी 94.5%, 94.4%, अलीराजपुर 52.2% और सीधी 91.7%। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो इसमें भोपाल है 19.1%, फिर इंदौर 25.9% और ग्वालियर 37.9%। अब सबसे जरूरी आंकड़े हैं ये, क्योंकि एमपी में बहुत क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, एसटीएससी से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति 1,13,42,320 है, जिसमें 59,08,638 पुरुष हैं और जिसमें 54,33,682 महिलाएं हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,53,16,784 है, जिसमें से पुरुष हैं 70,19,404 और महिलाएं हैं 75,97,380। प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है कुल 21.1% मध्य प्रदेश की जनसंख्या की। ठीक है, 21.1%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों की बात करें तो इंदौर कितना है, 5,45,239, उज्जैन दूसरे पर है 5,23,869, सागर 5,01,630। न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो झाबुआ 17,427, अलीराजपुर 26,877, डिंडोरी 39,782। यहीं ऊपर बात कर लेते हैं, फिर नीचे देखेंगे। ठीक, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में, ठीक है, अभी जनसंख्या के मामले में देखा, अब प्रतिशत। तो प्रतिशत में उज्जैन है 26.4, दतिया 25.5, टीकमगढ़ 25.4। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में तो झाबुआ में 1.7, अलीराजपुर 3.7%, मंडला 4.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की एसटी धार में 12,22,814, बड़वानी में 9,62,145, झाबुआ में है 8,91,818। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की बात करें तो भिंड 6,131, दतिया 15,061 और मुरैना में 17,030। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों में अलीराजपुर में 89%, झाबुआ में 87% और बड़वानी में 69.4%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो भिंड में 0.4%, मुरैना में 0.9%, दतिया में 1.9%। अब बात करें देश में,
मध्य प्रदेश का स्थान, तो जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 6वें नंबर पर है देश में। जनसंख्या वृद्धि दर में मध्य प्रदेश का स्थान 9वें स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का स्थान 18वां है। साक्षरता में मध्य प्रदेश का स्थान 21वां है। शिशु लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का स्थान 19वां है। अनुसूचित जाति जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 1ला है। अनुसूचित जाति प्रतिशत में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के मामले में 11वें स्थान पर है। याद रखिए, जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन प्रतिशत के मामले में 11वें स्थान पर है। नगरीय जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है। ग्रामीण जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान 2रा है। विभिन्न धर्मों की बात करें, समुदायों की, तो इसमें विभिन्न धर्म, ये धर्म है जनसंख्या प्रतिशत में, और साक्षरता हिंदू 90.88%, जिनमें साक्षरता दर है 62.8%। मुस्लिम 6.57% हैं, जिनमें साक्षरता दर है 70.3%। जैन में, जैन है 0.77%। याद रखिए कुल जनसंख्या का, इसमें उनकी साक्षरता दर है 96.7%। बौद्ध में है 0.3% है बौद्ध कुल जनसंख्या, और इनकी साक्षरता दर है 74.4%। ईसाई 0.29% हैं, जिनमें साक्षरता दर है 85.8%। सिख हैं 0.20%, जिनमें साक्षरता दर है 82.9%, और अन्य हैं 0.96%। याद रखिए, हिंदुओं में मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर है, और लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो चलिए, ये थे हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। बात करेंगे अगले, 5वां होगा भौगोलिक परिदृश्य। क्या होगा? भौगोलिक परिदृश्य के बारे में,